एवरीवन वेलकम टू रोज मिश्रा चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आए आपके लिए इस वीडियो में 104 डिपार्टमेंट है 104 डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर वैकेंसीज फिल की जानी है एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है विदाउट नेट सेट पीएचडी बिना नेट सेट पीएचडी के आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर है ऑफ प्रैक्टिस और बाकी डिटेल सैलरी भी अच्छी देंगे फिफ्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी देंगे नेट नहीं है सेट नहीं है पीएचडी नहीं है फिर भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं जॉब लोकेशन क्या रहेगी एप्लीकेशन कैसे करना है एप्लीकेशन सिंपल है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और फिर भी आपको वीडियो में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि कैसे अप्लाई करना है क्या क्या डिपार्टमेंट है जिनमें वैकेंसीज हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और मैंने आपको बताया ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसके साथ और क्या रिक्वायरमेंट है ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलेगी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने भी नेट नहीं किया सेट नहीं किया पीएचडी नहीं लेकिन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं सिखाना चाहते हैं उन सब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ेंगे डिटेल्स के लिए थोड़ा पेशेंस से वीडियो को देखना पड़ेगा 104 डिपार्टमेंट हैं जिनमें वैकेंसीज है तो सब धीरे धीरे आपको मैं बता देती हूँ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट डेयरी नॉर्मल सब्जेक्ट्स भी हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे जो बेसिकली आपको नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलते हैं बाकी बाकी एडवर्टीजमेंट में एग्री एग्री बिजनेस मैनेजमेंट डेयरी मैनेजमेंट फार्म हाउस मैनेजमेंट फॉरेस्ट्री ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड क्रॉप मैनेजमेंट पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट वर्टिकल फार्मिंग एलाइड मेडिकल साइंस बायो सिस्टम इंस्पायर्ड बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फार्मेटिक्स कंप्यूटर एडेड ड्रग कॉग्नेटिव न्यूरोसाइंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी नैनो बायो सेंसर नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इसके हेल्थ केयर साइंस फार्मास्यूटिकल साइंस ऑप्टोमेट्री विजन रिहेबिलिटिटेशन साइंस क्राफ्ट डिजाइन डिजिटल मीडिया फैशन डिजाइन गारमेंट फेब्रिकेशन Uh, quantum technology, co quantum computing, sustainability science, electrical engineering, electronics and communication engineering, instrumentation and control engineering, internet of things, networking and security informatics, gems and jewelry design, product design, fine art, fine art performing art, social media, interior uh, design. आर्किटेक्चर सिविल इंजीनियरिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंटरप्रेन्योरशिप स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप इंग्लिश फ्रेंच जर्मन आप अपना सब्जेक्ट ढूंढ लें अभी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट डिपार्टमेंट है Financial Service, Insurance, Business Administration, Hindi, Japanese, Journalism, Mandarin, Chinese, Russian, Economics, E Commerce, Business Process Management, Human Resource Management, International Business Management, Office Management, Retail Management, Warehouse Management, Supply Chain, Physics, Chemistry, Maths, Spanish, Korean, Automobile Engineering, Mechanical Engineering, Mechatronics, Printing, Robotics and Automation, Tool and Production, Engineering, maths, st stats, life science, chemical engineering, petrochemical, uh, polymer science, metallurgy, artificial intelligence, learning, augmented reality, computer engineering, computer science, aesthetic and beauty, cosmetology, gym management, psychology, sports, yoga, wellness, event management, food production, front office management. फैसिलिटी मैनेजमेंट होम साइंस में भी वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस में भी है लाइब्रेरी में भी है डेटा एनालिटिक्स वर्चुअल रियलिटी, हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट टूरिज्म एंड कल्चर तो ये सब है तो काफी सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें वैकेंसीज हैं अगर आपको लग रहा है कि रिलेटेड है आपसे जैसे कि अभी देखें साइकोलॉजी तो है तो वैसे ही कुछ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ह्यूमन रिसोर्स में आप कर सकते हैं अप्लाई अगर आपने ऐसा ऐसा आर्ट्स से कोई सब्जेक्ट किया है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स वगैरह सब्जेक्ट थे पढ़ाया है अभी देख लेते हैं नोटिफिकेशन रिलीज कहां से हुई है और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या बताई जा रही है इसमें जो पोस्ट है ना वो तीन है असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रैक्टिस आप ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट पांच साल का एक्सपीरियंस है रिलेटेड जो ब्रांचेस बताए गए डिपार्टमेंट उनमें पांच साल आपने कैसा भी काम किया इंडस्ट्री में काम किया है किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में टीचिंग का काम किया जो भी काम किया ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बट फाइव इयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस है तो असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रैक्टिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करना है तो टेन ईयर्स आपने होता है ना बहुत लोग आई में काम करते हैं और फिर वो स्विच करना चाहते हैं वर्क स्ट्रेस ज्यादा है स्विच करना चाहते हैं टीचिंग में तो वो आ सकते हैं दस साल काम किया है आपने और अभी आप एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए 15 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ पांच साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं अब इसमें पूरी डिटेल कवर करेंगे डेली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी से स्टेट यूनिवर्सिटी होती है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोनों गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी की फंडिंग राज्य सरकार करती है स्टेट तो दिल्ली से है द्वारका सेक्टर नाइन न्यू दिल्ली से है दिल्ली स्किल एंड ऑन्टरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय अब मैं आपको बताऊं अगर आप ऐसे वेकेंसी चाहते हैं हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में यूजीसी ने मैंडेटरी किया है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस रखना ही होगा कुछ सीट जो है ना ऐसे कैंडिडेट को ही रखना होगा तो जिनको की नेट सेट पीएचडी की जरूरत नहीं होगी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है आपने जो भी अपने फील्ड में काम किया है पांच साल तो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने एक्सपीरियंस इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो सकता है या आपको एक्सेलेंट नॉलेज है और अगर कोई किसी कंपनी के आप फाउंडर भी हैं तो भी आप साइड में पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा सकते हैं ये जो है ना तीन साल के लिए टू तो फाइव इयर्स तीन से पांच साल के लिए जॉब रहती है ये उसके बाद जो है ना तीन से पांच साल के लिए रहती है उसके बाद बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि बढ़ा भी सकते हैं नहीं भी बढ़ा सकते तीन से पांच साल के लिए जॉब रहेगी लेकिन सैलरी की बात कर लेंगे एप्लीकेशन कैसे करनी है वो भी बात करेंगे थर्टी डेज लीव मेडिकल वगैरह कुछ कुछ मिलेगा अब इनकी जो सैलरी होती है ना एंट्री लेवल जो सैलरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो फिक्स करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भी है आपने देखा एसोसिएट प्रोफेसर भी है आपने देखा प्रोफेसर भी है तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए डेढ़ लाख अराउंड सैलरी बनेगी वन पॉइंट फाइव लाख के अराउंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी कुछ वैसे ही बनेगा वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के अराउंड सैलरी बनेगी और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए फिफ्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड संतावन हजार सात सौ क्यों वो क्या बोल रहे हैं बेसिक पे जो एंट्री लेवल है वही देंगे उस पर और कुछ एक्स्ट्रा नहीं देंगे तो संतावन हजार सात सौ जो है ना बेसिक पे है असिस्टेंट प्रोफेसर का यही देंगे अब आपको अप्लाई कैसे करना है डेडलाइन फॉर सबमिटिंग सीवी कुछ नहीं करना है आपको एक अपना बायोडाटा बनाना है आपने काम किया ही ये इंडस्ट्री में पांच साल है कि नहीं वो आपको देख लेना है और बस इस ईमेल आईडी पे आपको अप्लाई करना है तीस अप्रैल 2024 तक का टाइम दिया गया है क्योंकि और ये करते रहिए तीस अप्रैल के बाद भी वीडियो आपको मिल जाए हाथ लग जाए तो आप कर सकते हैं क्योंकि कितने सारे डिपार्टमेंट है इन्होंने क्या लिखा है रोलिंग बेसिस पे पूरे साल लेते रहेंगे ये तो 30 अप्रैल 2024 हजार चौबीस अप्रैल 2024 तक आप एप्लीकेशन एप्लीकेशन आपके एप्लीकेशन बायोडेटा आपको भेजना है जब आप ईमेल से अप्लाई करते हैं तो जरूर लिखें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एट डी एस ई यू न्यू डेली इसका शॉर्ट फॉर्म है डी एस ई यू डेली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी तो सब्जेक्ट लाइन में आप क्लियर मेंशन कर देंगे कि इस सब्जेक्ट के लिए इस पोस्ट के लिए इस जगह के लिए तो आपको आ, मतलब वो जो आ, ये करेंगे ना ईमेल सर्च करने में उनको आसानी होगी कि कौन कौन से जॉब एप्लीकेशन हैं। अब इसमें एक चीज और है कि एग्जाम वगैरह कुछ नहीं होगा इंटरव्यूज भी एक फॉर्मल इंटरव्यू होगी क्योंकि उन्होंने तो ऐसे ही शॉर्टलिस्ट किया आपकी क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन से ज्यादा उनको एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस चाहिए तो जो भी है मतलब अगर आप ब्यूटी पार्लर भी चलाते हैं सपोज मान लेते हैं इसमें था ना एस्थेटिक एंड ब्यू, कुछ ब्यूटी से रिलेटेड भी था तो मान लिया आपने पांच साल ब्यूटी पार्लर ही चलाया है फाइव ईयर्स आपने वही काम किया है कोई प्रॉब्लम नहीं आप अप्लाई करें फाइव इयर्स आप दिखा सकते हैं कि वो आपने काम अपने इंडस्ट्री में किया हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि आपने किसी कंपनी में ही काम किया आपका अपना भी स्टार्टअप है तो भी चलेगा तो इसमें अब और कुछ चीजें अगर मेंशन करने के लिए होंगी तो मैं आपको बता देती तो हूँ लिंक के लिए आपको क्या करना है ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है डेली स्किल एंड आंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी इसमें वर्क विद अस करके एक ऑप्शन है ऊपर ही आप देखेंगे वेबसाइट पर आप आ रहे हैं तो ये देखे वर्क विद अस इस पर आपको क्लिक करना है यहां पे आपको क्लिक कर लेना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक पेज ओपन हो जाती है और इसी पेज पर वर्ग विदेश का पेज ओपन होता है और इसमें देखें यहीं पर एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ ये छोड़ देना है ये भी छोड़ देना है यहाँ से शुरू है एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस ये वाला एडवर्टीजमेंट आपको डाउनलोड करके चेक कर लेना है डिटेल्स